नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ जीके बाई ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। वो वीडियो है हरियाणा के सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बोरिंग हो सकती है क्योंकि हम सब जो ईजी मेथड है वो पढ़ने के आदि हो चुके हैं। तो आज मैं आप सबके लिए जो हरियाणा के ऑल डिपार्टमेंट हैं उनके फुल फॉर्म से रिलेटेड जानकारी लेकर आई हूं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की जो ये पीडीएफ है ये आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहां पर इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी। तो आज हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है वो हरियाणा के ऑल डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहेगी और जो ये वीडियो है संपूर्ण जानकारी आपको सिर्फ एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए आप आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट फोर फॉर्म है वो है डबल ए एस, यानी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये एचएसएससी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछी गई है। सेकंड फुल फॉर्म है एपीईडीए या फिर एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सीआईआरबी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और फ्रेंड्स, हम जो भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म होगी उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे है सीआईआरबी की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ये है, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ये आपको ध्यान रखना है। और अदर फैक्ट है इससे रिलेटेड, जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंसें हैं वो हिसार में पाई जाती हैं और जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उन्हें हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। और जो सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती है वो जींद में पाई जाती हैं। जब अगर एग्जामिनर हमसे ज़्यादा की भैंसें पूछ सकता है तो कम भैंसें भी पूछ सकता है, तो कम भैंस पंचकूला में पाई जाती हैं। और जो ये सीआईआरबी है इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर हिसार में है। तो सीआईआरबी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है DHBVNL, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ये HVPNL है, जो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसको 1999 में दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक था DHBVNL यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और सेकंड है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। जो दक्षिण वाला है इसका हेडक्वार्टर हिसार में है और जो उत्तर वाला है उसका हेडक्वार्टर पंचकूला में है, ये आपको ध्यान रख लेना है। जो ये DHBVNL है और UHBVNL है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है जो HAFED हैफिड की जो स्थापना है यह 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जब हमारे हरियाणा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को, उसी समय हैफिड की स्थापना की गई थी। और हैफिड की फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये हैफिड की फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बोरिंग ज़रूर हो सकती है लेकिन ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट फुल फॉर्म है HALRIS यानी कि हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है HAREDA हरेडा, हरेडा की फुल फॉर्म है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है HARIS यानी कि हरियाणा रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने वो फुल फॉर्म भी इंक्लूड की हैं जो अभी 10-11 जनवरी को ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछी गई थी। और अगर ये जो मैंने पीडीएफ बना रखी है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है। आगे है HFDC,
या इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1989 को की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था 10-11 जनवरी को, उसमें ये पूछा गया था कि HFDC की फुल स्थापना कब हुई थी। फुल फॉर्म नहीं पूछी गई थी, फुल फॉर्म उन्होंने खुद बताई थी, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी उन्होंने ये पूछा था। और चार ऑप्शन थे, ईयर यही था 1989, लेकिन जो डेट है वो डेट अलग थी, और आपको डेट पर भी फोकस करना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1989 को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हैं HPGCL, इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी कंपनी के रूप में स्थापना 17 मार्च 1997 को की गई थी, और इसका पुनर्गठन 14 अगस्त 1998 को किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये HSSC का अभी जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था 9 जनवरी को, उसकी सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था कि HRDFA की फुल फॉर्म क्या है। तो वह है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है HSDC, इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो भी फुल फॉर्म इंक्लूड की है, ये HSSC के एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है वही यहाँ पर ऐड की है। नेक्स्ट है HSDM, यानी कि हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है HPPC, इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा पावर परचेज सेंटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है HSEB, देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरीके से पूछी जा सकती है, ये ऐसे भी पूछी जा सकती है HSEB, या फिर ये ऐसे भी पूछी जा सकती है BSEH। अगर BSEH पूछ लिया जाए तो इसकी फुल फॉर्म होगी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। जो ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है, इसका जो हेड क्वार्टर है वह भिवानी में है, और जो इसकी स्थापना है यह 1969 में की गई थी। और जो HSEB है, इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा HSIIDC, यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हुड्डा, HUDA, हुड्डा, इसका नाम बदलकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया गया है। इसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, HSVP, यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। और जो HUDA है, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, और जो इसका हेडक्वार्टर है यह पंचकूला में है, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो फरीदाबाद है और जो गुरुग्राम है, यह इन दो ज़िलों में कार्य नहीं करता है। जो हुड्डा है, जिसका अभी वर्तमान में नाम बदलकर HSVP कर दिया गया है, यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, यह फरीदाबाद एवं गुरुग्राम में कार्य नहीं करता। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम के मानेसर को 11वां नगर निगम बना दिया गया है, ठीक है। और हरियाणा का गुरुग्राम एकमात्र ऐसा ज़िला है जहां पर दो नगर निगम हैं, एक खुद गुरुग्राम है और सेकंड मानेसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है HVPNL, देखिए इसकी जो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसकी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था 1999 में, एक दक्षिण हरियाणा में और एक उत्तर हरियाणा में, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये HSSC में जो अभी ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था 9 जनवरी को, सेकंड शिफ्ट में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है IWRD, यानी कि इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, HSSC के एग्जाम में ये फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है NABARD, यानी कि नाबार्ड, इसकी स्थापना, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है NBRC, यानी कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर,
यह इसकी जो स्थापना है यह 1997 में की गई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वह मानेसर गुरुग्राम में है, यह आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है NBRC, तो यह आपको ध्यान रख लेना है। आगे है NDDB और NDRI, देखिए ये दोनों अलग अलग हैं। NDDB अलग है और NDRI अलग है। जो NDRI है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इसकी स्थापना करनाल में की गई थी 1955 में। और जो NDDB है इसकी जो इस फुल फॉर्म है वो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेनी है। और नेक्स्ट है NFSM यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट है SGVNL यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, और जो SYL है इसकी फुल फॉर्म है सतलुज यमुना लिंक, और ये फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछ ली गई है, तो अब HSSC में भी ये फुल फॉर्म ना पूछे और ये पूछ ले SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है SLDC स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, ये भी आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट है VSDU मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग टाइप का कोर्स कराया जाता है, वो कोर्स करवाया जाता है मिट्टी से जो बर्तन वगैरह बनते हैं वो बनाने का यहाँ पर कोर्स कराया जाता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है VSDU। और बहुत से टीचर्स ये बताते ही नहीं है, और अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो बच्चे का सिर चकरा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। VSDU की फुल फॉर्म है विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, इसकी जो ये कहाँ पर है, यह दुधौला पलवल में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है HSSC, जो ये HSSC है इसकी आप सभी तैयारी भी कर रही हैं HSSC के एग्ज़ाम की, तो आपने मुझे कमेंट में कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि जो HSSC है इसकी फुल फॉर्म है क्या। और मैं आपको बता दूँ इसकी स्थापना 28 जनवरी 1970 को की गई थी, और जो इसके प्रेजेंट में चेयरमैन हैं वो हैं भरत भूषण भारती जी, और इससे पहले कौन थे ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। और ये जो भरत भूषण भारती जी हैं ये यमुनानगर से हैं। आपको दो क्वेश्चन मिल गए हैं, एक HSSC की फुल फॉर्म है क्या, और एक जो भरत भूषण भारती जी हैं इनसे पहले जो HSSC के चेयरमैन थे वो कौन थे, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है HSSC यानी कि हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है HSWC हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है HUDCO यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, देखिए जो ये ओ है ओ से ऑर्गेनाइजेशन भी बन सकता है, और ओ से मैंने बहुत सी जगह देखा है लिमिटेड ही लिखा हुआ है, तो अगर ये फुल फॉर्म आती है और अगर लिमिटेड है तो आपको लिमिटेड पर ही टिक करके आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है HLRDC यानी कि हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, ये जो ग्राम सचिव का 10 तारीख को एग्जाम हुआ था 10 जनवरी को, ये मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है HPPC यानी कि हरियाणा पावर परचेज सेंटर, और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये HSSC का जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था 10 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो ये फुल फॉर्म करवाई है और HSSC के अभी जो ग्राम सचिव के 4 शिफ्ट के एग्जाम हुए थे, मैंने चारों शिफ्टों में जो फुल फॉर्म आई थी वो आपको बता दी है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और बच्चे इसको सिर से ऊपर से ले जाते हैं, लेकिन ये सिर से ऊपर से ले जाने की बात नहीं है, आपने इन्हें नोटबुक में नोट डाउन करना है और इन्हें याद करना है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है ये HSSC के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है HPSC यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन,
और जो इसकी स्थापना है वह 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ये बताना है HPSC के जो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। और मैं आपको बता देती हूँ, जो HPSC के जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो थे दलबीर सिंह। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि HPSC के जो एट प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वो कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है BDSUHS, तो इसकी फुल फॉर्म है भगत फूल सिंह ऑफ हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है, जो ये यूनिवर्सिटी है ये भगत फूल सिंह साइंस एंड हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जब भी आप कमेंट करो तो आप अच्छे से कमेंट करना, क्योंकि मैंने अभी आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि HSSC की फुल फॉर्म है क्या, और HSSC के पहले जो भरत भूषण भारती जी से जो पहले वाले चेयरमैन थे वो कौन थे, और HPSC के जो वो एट प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, और जो BDSUHS है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी और कहाँ पर की गई थी, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अच्छे से कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट है CCSAU यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है HSCARDB, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और HSSC का एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है HGIS यानी कि हैपनिंग हरियाणा, डबल एच से बन जाएगा हैपनिंग हरियाणा। और नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है NAPP यानी कि नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट है NBA यानी कि नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी। और आगे है CSSRI यानी कि सेंट्रल सोयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट है PEPSU PEPSU यानी कि पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जो इसकी स्थापना है PEPSU की स्थापना प्रांत एक प्रांत के रूप में 15 जुलाई 1948 को की गई थी और इसकी समाप्ति कर दी गई थी 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और जो इसके फर्स्ट CM थे जो कि 1949 में बने थे वो थे ज्ञानी सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो इसकी राजधानी है यह पटियाला थी, बहुत सी बुक्स में मेंशन किया हुआ है कि इसकी जो राजधानी थी वो शिमला थी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसकी राजधानी शिमला नहीं थी, पटियाला थी। ये मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाटा लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो PEPSU थी इसमें टोटल 8 ज़िले थे और उन 8 ज़िलों में से हरियाणा का एक ज़िला आता था, वो था जींद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें टोटल सब डिवीज़न भी 8 थी और उन सब डिवीज़न में से एक हरियाणा की सब डिवीज़न थी वो थी महेंद्रगढ़, और एक तहसील थी वो थी दादरी, आपको ये ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अदर स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो बाकी आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनको ग्रुप से यूट्यूब चैनल से ज़रूर जोड़िएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।